हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर, जो कि है शिमला ब्लॉगर दीपशिखा। मैं इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त दीपशिखा आपका स्वागत करती हूं अपने ही चैनल पर। मैं आपको कुल्लू के बारे में जानकारी दे रही हूं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू पहुंच चुके हैं हम। आप जानते हैं कि मैं हिमाचल के जिलों की सिलसिलेवार जो है आपको जानकारी दे रही हूँ, और उसी कड़ी में हम कुल्लू की जानकारी देते 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 आज मलाना गांव पहुंच चुके हैं। मलाना गांव के बारे में बहुत ही अनोखी, बहुत ही अनूठी जानकारियाँ जो हैं वो हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे हिमाचल को, मेरे हिमाचल के कुल्लू जिले के छोटे से गांव मलाना को जाने कि ऐसा उसमें क्या है। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत है। प्रकृति ने दिल खोल कर हिमाचल पर खूबसूरती बख्श दी है। हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं आपको बता रही हूं। बात कुल्लू की है और मलाना का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी मलाना गांव को लोग पसंद करते हैं, ना केवल उसकी प्रकृति सुंदरता के कारण, उसकी अनूठी अनोखी रीति रिवाजों के कारण भी मलाना गांव चर्चा में हमेशा रहता है। मलाना गांव क्यों ऐसा है, आगे व्लॉग में आपको पता चलेगा। हिमाचल की कुल्लू वैली में नॉर्थ ईस्ट में मलाना नाम का एक प्राचीन गांव है, जो कि 9842 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कुछ दशकों में अपनी अपार सुंदरता और बहुत रहस्यों को अपने अंदर समेटे और मारिजुआना मारिजुआना लवर्स के बीच प्रसिद्धि पा चुका है। यहाँ बहुत सारे विदेशी पर्यटक केवल मलाना क्रीम की चाहत में आते हैं और यहाँ बेस्ट मैरिजुआना मिलता है। यहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। इसमें 11 लोगों की काउंसिल है, जो जमलू देवता, जो कि यहाँ के जमलू देवता हैं, जो जमलू ऋषि थे, उनके आदेशों को मानते हैं, और इनके द्वारा दिलाया गया न्याय पूरे गांव और गांव के हर बाशिंदे को मान्य होता है। यहाँ के इतिहास की बात करें तो कई थ्योरीज ये बोलती हैं कि यहाँ के लोग आर्यंस के वंशज हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं, या कह लीजिए कि यह कहानी भी प्रसिद्ध है, कि अकबर बादशाह को गंभीर बीमारी हुई थी जिसका इलाज यहाँ के लोगों ने ही किया था, जिससे खुश होकर अकबर ने यहाँ के लोगों का जो टैक्स था वो माफ कर दिया था। कुछ लोग मानते हैं कि सिकंदर के सैनिक यहाँ आकर रुके थे और उसके ही यह वंशज हैं। यह लोग खुद को सिकंदर के वंशज भी मानते हैं। हालांकि यहाँ की जो भाषा है ना, वो ग्रीक से बिल्कुल नहीं मिलती, वह मिलती है तिब्बती और संस्कृति से, संस्कृत से, सॉरी, संस्कृत भाषा से बहुत मिलती है। और यहाँ की बोले जाने वाली भाषा कनाशी है, जो हम लोगों की समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। यहाँ आकर एकदम से ऐसा लगता है कि हम भारत में नहीं हैं, कहीं और आ गए हैं, जो यहाँ की भाषा हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, चाहे वो देशी हों चाहे वो विदेशी हों, अगर गलती से भी आपने उनके किसी मंदिर या घर को छू लिया तो आपको 1500 रुपये का जुर्माना या उससे ज़्यादा का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। तो आप जब भी यहाँ जाएं तो ध्यान रखिए, अपने हाथों को पॉकेट में डाल लीजिए। गलती से भी कहीं आपने छू दिया तो आपको वहां 1500 रुपये या उससे ज्यादा का जुर्माना भरना ही पड़ेगा। यह जुर्माना, वह लोग उस जुर्माने से जानवर खरीदते हैं, उसकी बलि देते हैं। और बलि देने का क्या कारण होता है? बलि देने का यही कारण होता है कि अब जो अशुद्ध था वह चीज शुद्ध हो गई है। 5-6 स्थानों पर तो छूने की बहुत सख्ती से मनाही की गई है। यहाँ पर तो इस गांव के बाशिंदे भी हाथ नहीं लगा सकते। ऐसा करने से कहते हैं कि उनका देवता नाराज हो जाता है और पूरे
पूरे गांव में तबाही मचा देता है। ऐसा तबाही का मंजर 2006 और 2008 में देखा गया। तब से इनकी आस्था और भी इसमें बढ़ गई और तब से इन्होंने और भी नियम बहुत कड़े कर दिए। यहाँ उनकी अपनी राजा अपनी ही सरकार है। यहाँ के कानून बहुत पेचीदा और सख्त हैं। यहाँ पर निम्न और उच्च सदन बना हुआ है। गांव में केवल 4700 ही लोग रहते हैं। यहाँ पर गुनाहगार को सजा देने का अपना ही एक अलग प्रावधान है। ना कोई अपना घर सैलानियों को किराए पर दे सकता है और ना ही उसका इस्तेमाल गेस्ट हाउस के रूप में कर सकता है। ऐसा करने पर आप को और गांव के बाशिंदे को कठोर सजा दी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा वह कहते हैं कि हमने अपनी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया है। पता नहीं ये कहां तक सही है, लेकिन कुछ तो बात है मलाना गांव में, इसकी सुंदरता में, कि हम लोग बरबस ही मलाना गांव की तरफ खींचे चले जाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता जो है वो आपको बार बार मलाना गांव की तरफ जाने को आकर्षित करती है। यहाँ पर HRTC की सिर्फ और सिर्फ एक ही बस जाती है। कसौल से 8 किलोमीटर पहले जरी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की ओर जाने वाले रास्ते पर जाएं। जरी से मलाना की दूरी 16 किलोमीटर है और सिंगल लेन है। बेहद खतरनाक रास्ता है यहाँ पर, और बर्फबारी के दिनों में तो यह दृश्य और भी सुंदर हो जाता है। एक पगडंडी से गुजरना होता है पैदल चलकर, एक ट्रैकिंग रूट भी कह लीजिए आप, ट्रैकिंग रूट भी है यह, और वहाँ से गुजरकर आपको मलाना गांव तक पहुँचना होता है। बहुत अजीब परंपरा के मालिक हैं ये लोग। बहुत रहस्य और रोमांचों को अपने अंदर समेटे हुए हैं ये लोग। आप जाइए यहाँ पर, यहाँ की सुंदरता को निहारिए। सिर्फ आपको सुंदरता को निहारना है, यहाँ की सुंदरता को ना ही आपने छूना है, ना ही आपने उनको कुछ देना है। आप इवन तक कि आप वहाँ उन दुकानों से ना ही कुछ खरीद सकते हैं। कुछ अगर कुछ एक दुकानों से जो आप खरीद सकते हैं तो उनके पैसे भी आपको फेंक के, वो आपको जब सामान फेंक के दे तो कोई अचरज की बात नहीं होगी उसमें, क्योंकि वहाँ के नियम ही ऐसे हैं। वहाँ जाना है तो इन सब जो ईगो है उसको साइड किनारे साइड पे रखकर ही जाना है। देखिए कितने सुंदर दृश्य हो जाते हैं हिमाचल के इस गाँव के, मलाना गाँव के सर्दियों में। तो अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर आएँ और निहारें। दूर दूर तक फैली हुई बर्फ की चादर आपको सम्मोहित कर देगी। आप यहाँ आना कभी भूल नहीं पाएंगे और कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जो आप चाहते हैं, जिन नज़ारों की खोज में, जिन शांति की खोज में यहाँ पर आए हैं, यहाँ आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत अद्भुत गांव होने के नाते यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ के लोगों को अपना ही कानून मानने होता है, वह किसी सरकारी कानून को नहीं मानते हैं, ना ही कभी अपने गांव के इसमें कोई दखलअंदाजी करना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सालों से कुछ लोग बागी जैसे हो गए हैं और वह जाकर के कुल्लू में अपना जो है न्याय पाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक चले गए हैं। यहाँ पर जो शादी और विवाह संबंध है वह भी अपनी ही जातियों में होता है, मतलब कहने का कि अपने ही गांव में होता है। गांव से बाहर ना कोई शादी करता है, ना कोई शादी होकर लड़की जाती है, वह इसी गांव में रहती है। यह लोग कहते हैं कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वह अपवित्र होते हैं और वह आकर हमारे गाँव को अपवित्र करते हैं, इसीलिए वह लोग इनको यहाँ पर आने पर और किसी भी चीज़ को छूने पर बहुत नाराज़ हो जाते हैं। होप आपको यह व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में किसी और जानकारी के साथ। तब तक मैं आपकी दोस्त और इस चैनल की होस्ट शिमला व्लॉगर दीपशिखा आपसे विदा चाहती हूँ।
अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।